So hello everyone and welcome back to the Paper One series where we are dealing with teaching aptitude and research aptitude parallelly. Morning में आपको मिलता है teaching aptitude का video and शाम को आपको मिलता है research aptitude का video. दोनों ही आपके ऐसे sections हैं paper one के जिनसे every time you get 10 to 11 questions definitely in your exam in every shift and दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से structured way में with content plus questions हम लोग इसको deal कर रहे हैं. तो आइए आज की इस class को start करते हैं. But before that you must join my telegram channel where you will get instant notifications and direct link to any of my videos. If you are new on my channel, then you must know my teaching style. बहुत ही कम time में हम लोग बहुत ज़्यादा concept को, बहुत ज़्यादा content को ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं. ऐसा करने से बच्चे का time भी waste नहीं होता है and content and questions के साथ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है. So let's take a look कि आज की हमारी class में जो topic है teaching aptitude का वो क्या है. अगर आपने मेरी last class की होगी तो we started up with the child developmental theories जहाँ पे हम लोग ने Erikson की, Jean Piaget की and हमारे Kohlberg की थ्योरी को देखा था. आज के हमारे वीडियो में as you can see there is only one topic which is Gardner's theory of multiple intelligences. Now usually what we do is कि हम लोग एक दो topics को एक साथ एक ही दिन में करते हैं but this topic is a very थोड़ा सा vast topic है and it needs a quite bit of explanation. So I thought do not confuse the child and आज के दिन हम लोग एक ही topic को उठाएंगे और इससे आए हुए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे. जैसा कि आप लोग ने टॉपिक को जान लिया गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करें तो हम लोग को एक ही चीज पता होती है कि इधर यू आर इंटेलिजेंट और यू आर नॉट. यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात कैसे हो रही है तो ध्यान से आप लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए जहां पे आपका एक काइनेस्थेटिक पर्सन है जो बॉडीली स्मार्ट है, देन यू हैव इंटरपर्सनल पर्सन्स हु टॉक वेरी नाइसली with people and is very smart in talking to many people. Then we have linguistics, आपको पता होगा कि language skills जिसकी बहुत अच्छी होती है, mathematical person जो logically बहुत smart होता है, then we have naturalistic person जो word से ही समझ में आ रहा है कि nature के बहुत करीब होता है, environment, ecosystem, इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, then we have intrapersonal, वो person जो लोगों से नहीं but खुद से बातें करना, खुद से introspection करना, अपने अंदर का जानता है, then we have visual one जो बहुत ही पिक्चर स्मार्ट पीपल होते हैं, पेंटिंग अच्छी बना लेते हैं, दे आर वेरी फोटोजेनिक काइंड ऑफ पीपल, देन वी हैव a musically intelligent person who has a very good knowledge of our music. तो इसी particular diagram को हम लोग थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे और देखेंगे ये किसकी थ्योरी है और इससे कैसे questions बने हैं. As you can see यहाँ पे लिखा हुआ है Gardner's theory of multiple intelligences and ऊपर जो हम लोग ने diagram देखा उससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि today we are going to talk about different kinds of intelligences जो शायद आपको नहीं पता होंगी. देखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये तो skills है, इंटेलिजेंट तो इंसान सिर्फ दिमाग से होता है एंड हम लोग जब भी इंटेलिजेंट वर्ड को यूज करते हैं तो सिर्फ दिमाग की या कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं और इसी चीज का विरोध करते हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर, अ वेरी गुड साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको लगता है कि एक इंसान जिसने जन्म लिया है उसके दिमाग में सिर्फ मेंटल एबिलिटीज हो सकती हैं जो उसके इंटेलिजेंट या आईक्यू को बताती है बट ऐसा नहीं है एंड हेंस ही हैज टॉक्ड अबाउट इन हिज थ्योरी सो many types of multiple intelligence जो एक इंसान के अंदर हो सकती है. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ दिमाग से अगर इंटेलिजेंट है तो बाकी फील्ड्स में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है. आप सब लोग ने वो तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी जिसमें ईशान अवस्थी को हम लोग ने देखा था. ही वॉज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन अकेडमिक्स में बट पेंटिंग वाइज ही वॉज वेरी गुड. उसकी जो स्पेशल थिंकिंग थी एंड किस तरीके से उसकी विजुअल थिंकिंग थी उसकी बहुत अच्छी थी. तो क्या हम लोग उस इंसान को इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे. और हार्वर्ड गार्डनर की इसी थ्योरी को हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक इंसान अलग-अलग फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है एंड दिस इज ओनली व्हाट वी कॉल्ड एज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. सो कम एंड लेट्स टेक अ लुक. हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रपोजेस दैट पीपल आर नॉट बॉर्न विथ ऑल द इंटेलिजेंस दे विल एवर हैव. हम लोग को लगता है कि या तो एक बच्चा समझदार या इंटेलिजेंट है एंड या फिर वो नहीं है, लेकिन
आपके हार्वर्ड गार्डनर इसी बात को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक इंसान के अंदर सिर्फ मेंटल इंटेलिजेंस होती है, आपके अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंसेस हो सकती हैं। हिज थ्योरी सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी बट रादर अ सेट ऑफ सेपरेट एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एबिलिटीज। आपके हार्वर्ड गार्डनर बेटा कहते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल एंटिटी नहीं है, देर आर अ ग्रुप ऑफ एंड सेट ऑफ इंटेलिजेंसेज जो एक इंसान के अंदर हो सकती हैं। एंड ये सारी जो कैपेबिलिटीज एंड इंटेलिजेंसेस है आर इंडिविजुअल, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। कहने का मतलब कि एक इंसान अगर डांसिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजिबल है, वो बहुत अच्छी डांसिंग स्किल्स रखता है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी सिंगिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। हो सकता है वो बिल्कुल बेकार सिंगर हो लेकिन डांसर वो बहुत अच्छा हो, एंड दिस गोस वाइस वर्सा। तो ये सारी इंटेलिजेंसेस बेटा आपकी इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी दूसरी स्किल या इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। This is something that you have to keep in mind. आगे बढ़ेंगे। This theory challenged the traditional notion that there is one single type of intelligence. Starting video के starting में I told you ना कि हम लोग को लगता है कि या तो इंसान intelligent है या तो इंसान intelligent नहीं है, बिल्कुल ही बुद्धू है। तो आपके Howard Gardner ने इस traditional mindset को जो आज तक लोग सोचते आए हैं, जो आज तक लोग जानते हैं, इसको challenge किया, and not only did he challenged, he also brought forward eight kind of intelligences जिसको इन्होंने इस theory के अंदर बताया है। Sometimes known as G, आपकी अगर normal intelligence की हम लोग बात करें तो उसको denote किया जाता है as G for general intelligence that only focuses on cognitive ability. I told you ना कि हम लोग intelligence को कैसे देखते हैं कि भाई इसके पास बहुत दिमाग है तो ये बड़ा intelligent है, इसके पास तो बिल्कुल दिमाग नहीं है ये intelligent नहीं है। उसके पास एक पर्टिकुलर फील्ड का दिमाग नहीं है, हो सकता है कि जिसको आप बिल्कुल बुद्धू इंसान समझ रहे हो उसकी कोई और स्किल बहुत अच्छी हो, वो नेचुरलिस्टिक पर्सन हो, एनवायरनमेंट के बारे में वो जितनी जानकारी रखता हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता हो, एंड इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉन इंटेलिजिबल बन जाएंगे। तो इसी को ही हम लोग और थोड़ा सा आगे देखेंगे। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ये किसने प्रपोज किया है एंड किस चीज का विरोध करके प्रपोज किया है। आगे बढ़ेंगे और इन आठ टाइप की इंटेलिजेंसेस को हम लोग वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंडिविजुअल्स पोजेस एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि आठ टाइप की इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है, विच कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरी। नंबर वन, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आपका कोई एक पर्सन जिस जो इन लिंग्विस्टिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर क्या खूबियां होंगी, वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर पाता होगा, चाहे इन रिटन चाहे इन पब्लिक स्पीकिंग। तो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, उसके रूट वर्ड्स को जानना, उसके प्रोनंसिएशन को अच्छी तरीके से समझना, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द लेबल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, उसमें अगर आप इंटेलिजिबल हैं तो आप लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाएंगे या लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट कहलाएंगे। देन टॉकिंग अबाउट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लॉजिकल थिंकिंग मैथमेटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बॉयज और गर्ल्स वाले सेग्रीगेशन में, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स भी होती हैं जो बहुत ही लॉजिकल तरीके से बात करती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से उनको टच कर सकती हैं एंड क्लियर रहते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लॉजिकली मैथमेटिकली जो इंसान इंटेलिजेंट है उसकी जो एबिलिटी होती है लॉजिकली सोचने की एंड लॉजिकली किसी भी चीज को सॉल्व कर लेने की, वो आपके इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, लॉजिकल एंड मैथमेटिकली इंटेलिजेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है बेटा विच इज नोन एज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नाउ यहाँ पे म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आपको गाना समझ में आ रहा है, भाई गाना सब गा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन आप अगर म्यूजिकली इंटेलिजेंट हैं तो यू विल अंडरस्टैंड द टोन्स, यू विल अंडरस्टैंड द अंडरटोन्स, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसा नोट लगाया हुआ है। जैसे आप लोग देखते हो ना इंडियन आइडल में तीन बैठे होते हैं बड़े बड़े सिंगर, कभी कभी तो कोई डांसर को भी जज बना दिया जाता है और वो ऐसे ऐसे अपने बारे में बताता है कि यहाँ पे ना आपका थोड़ा सा राग गड़बड़ हो गया, भाई तुम्हें आता है सिंगिंग के बारे में तब बोलो ना। तो ये आपकी इंडियन आइडल और इन सारी चीजों से हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं बेटा एक पर्टिकुलर फील्ड के, हम लोग उनको बोल सकते हैं दैट दोज पीपल आर म्यूजिकली इंटेलिजेंट्स एंड
म्यूजिक के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उनको पता होती हैं कि ये जो सामने वाला सिंगर है उसका कहाँ से जो नोट है वो छूट गया, कहाँ से उसने बहुत ही लंबा आलाप लिया था, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 हम लोग देखेंगे जो कि बोल रहा है हम लोग को स्पेशियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू विजुअलाइज। ये आपको याद रखना है, जो ऐसे लोग होते हैं वो यूजुअली आपके दे आर वेरी गुड पेंटर्स। मतलब कि एक पेंटर जो है जो एक सीनरी की फोटो आपकी बनाने की कोशिश कर रहा है, भाई पहाड़ तो इतना बड़ा है, उसके पास तो कैनवस इतना सा है, तो आपके जो पेंटर्स होते हैं, फोटोजेनिक पीपल होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट को, उसकी स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और अपने पेज पे जब वो माउंटेन्स बनाते हैं तो उसका एक मिनिएचर वर्जन बनाते हैं, ना कि पूरी लाइफ साइज आपका माउंटेन ड्रॉ कर देते हैं। तो जिसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होता है वो आपके मैनिपुलेट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स की आपकी साइज को, 3-dimensional spaces या 3-dimensional, हम लोग आजकल देखते हैं बड़ी अच्छे अच्छे हमारे पेंटर्स आ गए हैं जो 3D मॉडल्स बना लेते हैं, हम लोग को लगता है कि तो बिल्कुल रियल लाइफ लग रहा है। आप सब लोग ने इंस्टाग्राम में देखी होगी ऐसी रील्स। तो ये जो लोग होते हैं वो स्पेशल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एंड वो ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी मेजरमेंट को, उनकी साइज एंड शेप को मैनिपुलेट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। आई होप आप लोग को बहुत ही इजी लग रहा होगा, देयर इज नथिंग एज सच, कॉन्सेप्ट्स नए नए पता लग रहे होंगे, बट व्हेन आई एम टेलिंग यू पीपल अंडरस्टैंड, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट्स एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स सच एज थ्रू डांस और स्पोर्ट्स। ये जितने भी आपके लोग होते हैं ना, जिम्नास्टिक्स, मतलब अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं, यू कैन बी अ जिम्नास्ट, यू कैन बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू कैन बी अ वेरी गुड डांसर, आप कुश्ती लड़ सकते हो, एंड सो मेनी थिंग्स जहाँ पे भी आपकी बॉडी का इस्तेमाल होता है, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट। अब ये काइनेस्थेटिक जब भी वर्ड हो जाता है ना, तो I don't know why I get reminded of that movie जिसमें क्रिश में वो था नहीं, काल, जिसका कोई भी बॉडी मूव नहीं करती थी एंड उसके पास टेलीकिनेसिस प्रॉपर्टीज होती थी, अपनी मूवमेंट को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लेता था। तो ये आपका थोड़ा बहुत वैसा है, बट पूरी तरह वैसा नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। नंबर 1 इज योर इंटरपर्सनल, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर पीपल सच एज थ्रू एम्पैथी एंड सोशल इंटरेक्शन। इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं उस इंसान के अंदर, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, हम लोग उस इंसान को बोलेंगे जो आपके सोसाइटी में या फिर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ही इफेक्टिवली बात कर लेता है, हर इंसान से वो इस तरीके से बात करेगा, रिलेट करके बात करेगा, उसके अंदर एम्पैथी होती है, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स जिसके अंदर बहुत अच्छी है, दुनियादारी से बात करने का उसको बिल्कुल सही तरीका पता है कि एक छोटे बच्चे से बात करेगा तो भी अच्छे से बात कर ले जाएगा, एक बूढ़े व्यक्ति से बात करेगा तो भी कर ले जाएगा, अगर एक बहुत बड़े ग्रुप से उसको बात करनी होगी तो भी उसके पास एक ऐसी टेक्निक होती है सबको एड्रेस करने की, वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आ जाती है। वहीं पे बेटा अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इंटरपर्सनल को फ्रॉम इंट्रापर्सनल, तो दिस इज द एबिलिटी वेर यू आर एबल टू टॉक टू योर ओन सेल्फ। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया से तो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, अपने आप से बातें नहीं कर पाते हैं, एंड कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद को समझते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन दुनिया में वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन विल बी दैट पर्सन जिसके पास एबिलिटी है खुद को समझने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की, अपने अंदर झांकने की और सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हैं, ऑपोजिट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लर्न करना पड़े तो लर्न कर लो। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी लोगों के साथ हो जाती है, एंड इंट्रापर्सनल में आपका कनेक्शन जो खुद के साथ होता है उसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे जो कि है हम लोग का नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जो आपके नेचर
एंड नेचुरल वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझता है एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू द नेचुरल वर्ल्ड सच एज थ्रू इकोलॉजी एंड गार्डनिंग. ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके अच्छी गार्डनिंग करते हैं. भाई गार्डनिंग भी एक तरीके की इंटेलिजेंस है. आपको समझ में आपको ये समझना पड़ता है कि इस वाले पौधे में कौन सी खाद डलेगी, इस वाले पौधे को कितनी सूरज की जरूरत है, कब मैं इसको ढककर रख दूं, इसको कितना पानी देना चाहिए एंड इसको और कौन सी चीजें मैं दे सकती हूँ कि ये ग्रो करे. तो ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है. कई लोग होते हैं जो असल जिंदगी में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं लेकिन आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है. अगेन आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जांपल ऑफ तारे जमीन पर. आपने उसका जो टीचर देखा होगा आमिर खान को देखा होगा, वो कैसे बताता है कि ही वाज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन लेकिन वो किस तरीके से आर्ट में इतना अच्छा होता है एंड ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज एबल टू एम्पथाइज विद ईशान अवस्थी कि ये भी एक ऐसा बच्चा है जिसकी पेंटिंग इंटेलिजेंस पेंटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं लेकिन पढ़ाई में ये अच्छा नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है, विच इज कम्प्लीटली ओके. हमारी जो सोसाइटी होती है वो सिर्फ बुद्धि वाले इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा प्रधानता देती है और इस बात को गार्डनर ने भी माना है. देखो गार्डनर नोट्स दैट लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल मोडालिटीज आर मोस्ट टाइड वैल्यूड इन स्कूल एंड सोसाइटी. हमारी स्कूल एंड सोसाइटी में सबसे ज्यादा किन चीजों को वैल्यू की जाती है कि एक आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, पार्ट पार्ट इंग्लिश एकदम बोलना आपको आने चाहिए या फिर किसी भी लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए. अनदर थिंग यू शुड बी वेरी लॉजिकल एंड आपके बात करने का तरीका या चीजों को इंटेलिजेंटली देखने या सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए. ये दो ही स्किल्स आपकी सोसाइटी एंड स्कूल बहुत ज्यादा प्रेफर करती है, एक तो फ्लुएंसी एक आपकी मैथमेटिक्स, इन्हीं दोनों चीजों को प्रेफर करती हैं. वेयर एज आपके हार्वर्ड गार्टनर कहते हैं कि एक इंसान कई सारी फील्ड्स में या फिर इनमें से किसी भी एक फील्ड में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट ही माइट नॉट बी इंटेलिजिबल इन योर एकेडमिक्स लेकिन वो और किसी फील्ड में अच्छा हो सकता है. आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई करते तो हैं लेकिन इतना उसमें उनका मन नहीं लगता है लेकिन और किसी फील्ड के आप मास्टर हो सकते हो. अगर हो तो जरूर से कमेंट करके जाना. ठीक है आगे बढ़ेंगे और इसी चीज को हम लोग हल्का सा रिवाइज करेंगे. हम लोग ने देखा कि बॉडी काइनेस्थेटिक आर पीपल हु आर गुड डांसर्स जिमनास्ट एंड यहाँ पे आपको फोटो से दिखाई दे रहा होगा. देन म्यूजिकली इंटेलिजिबल पीपल वो होते हैं जो म्यूजिक को उसके नोट्स को और उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज को अच्छे से समझते हैं. देन वी हैव लॉजिकली मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पीपल जो रियल लाइफ सिचुएशंस को या किसी भी कठिन सिचुएशंस को मैथमेटिकली या लॉजिकली सॉल्व करने की ताकत रखते हैं. देन वी हैव इंटरपर्सनल स्किल्स. इस डायग्राम को याद रखना, दो लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं मतलब एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हैं. ठीक है देन इंट्रापर्सनल स्किल्स में आपको दिख रहा है कि एक इंसान खड़ा है सोच रहा है मतलब इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहा है अपने अंदर झांक पा रहा है. देन लिंग्विस्टिक है आपका किसी भी लैंग्वेज पे कमांड होना, लैंग्वेज कैसे काम करती है कब काम करती है. आप किसी भी लैंग्वेज के बारे में अगर बात करो तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटीज को पकड़ लेते हैं एंड बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हैं. देन वी हैव स्पेशल इंटेलिजेंस जहाँ पे आपके जो पेंटर्स आ जाते हैं, फोटोजेनिकली स्मार्ट पीपल आ जाते हैं. एंड लास्टली वी हैव नेचुरलिस्टिक पीपल हु आर वेरी गुड गार्डनर्स एंड हु हैव अ वेरी गुड इंटेलिजेंस अबाउट योर इकोलॉजी अबाउट योर एनवायरमेंट एंड सच स्टफ. तो आई गेस आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा. थोड़ा सा हम लोग इसको समराइज करेंगे. अकॉर्डिंग टू गार्डनर ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स. यू मस्ट be able to understand this क्योंकि हम लोग ने देख लिया कि ये सारी intelligences आठ type की जो हम लोग ने देखी, ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे dependent होगी कि कोई singer है तो अच्छा dancer भी होगा या फिर कोई ऐसा nature से intelligent people है तो वो interpersonal skills भी उसकी बहुत अच्छी होंगी. ऐसा नहीं है, ये आपकी independent personalities या independent intelligences है. Then meaning that an individual can excel in one or more types of intelligence while performing less well in others. By meri maths achhi nahi hai, I am logically mathematically non-intelligent person whereas meri kinesthetic properties ya kinesthetic intelligence bahut achhi hai, that I am a very good dancer, my linguistic skills are very good, I can have command in any kind of language. To har insaan ke andar independently kai sari intelligences
हो सकती हैं, ठीक है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज आईक्यू टेस्ट मे नॉट फुल्ली कैप्चर एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड पोटेंशियल। हमारे स्कूल में क्या किया जाता है, रिपोर्ट कार्ड में भैया तुम्हारे 50% मार्क्स आ गए, अरे तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, 90% वाले को देखो वो कितना इंटेलिजेंट है। बट 90% वाला हो सकता है कि सिर्फ पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, इंटरपर्सनल स्किल्स उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो, या फिर जब स्कूल से पास आउट करके जाए तो उसको कुछ भी समझ में ना आए और उसके अंदर कोई भी स्किल या इंटेलिजेंस ना हो, वेयर एज वही 50% वाला बच्चा इंटरपर्सनल स्किल की वजह से एक बहुत बड़ा स्पीकर बन जाए। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कॉग्निटिव एबिलिटीज ही आपके अंदर है तो ही आप इंटेलिजेंट है, यू कैन बी इंटेलिजेंट इन एनी ऑफ द फील्ड्स जो हम लोग ने देखा। इसी बात के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको नाम याद रखना है हार्वर्ड गार्डनर का, उसके 8 टाइप के आपको इंटेलिजेंसेस याद रखने हैं विथ नेम्स, एंड वो उन नेम्स के अंदर क्या आपने समझा वो आपको याद रखना है, एंड ये चीज आपको क्वेश्चंस देख के तुरंत समझ में आ जाएगी, सो डोंट यू वरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज Who among the following proposed the theory of multiple intelligences? तो बहुत ही सीधी सी चीज है, अभी इसको पढ़ने के बाद जब पढ़ोगे ना तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, पर जब एग्जाम में आता है एंड अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा होता है तो भाई दिमाग घूम जाता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आप लोग ने ये पढ़ लिया है, यू नो कि हार्वर्ड गार्डनर इज द पर्सन हु हैज गिवन अ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इन्होंने आपके ट्रेडिशनल आईक्यू एंड आपके जो ट्रेडिशनल आपका जनरल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट है जिसको जी करके दिखाया जाता है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। रेनू इज अ काउंसलर एट अ स्कूल, विच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। आपको अब जज करना है और बताना है कि वो लिंग्विस्टिक्स में अच्छी होंगी तभी वो एक काउंसलर बन जाती है। आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि काउंसलर कौन होता है, जो बच्चों को सही दिशा दिखाता है किसी स्कूल में कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड काउंसलिंग आप सबको पता होगा कि यही होती है, परामर्श करना, उसको बताना, गाइड करना। तो ऐसे में आपके पास लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल अच्छी होनी चाहिए या इंट्रापर्सनल होनी चाहिए। अभी तक सारे बच्चों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा आई होप, तो 1 मिनट का वेट करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना एंड तभी आंसर करना। आई थिंक आपको 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलो हम लोग आंसर देखते हैं। आपका आंसर है इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि रेनू इज अ काउंसलर। अगर आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो कि नहीं ये लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, क्योंकि बात करने के लिए तो आपकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ लैंग्वेज पे अगर आपकी कमांड अच्छी है डजंट मेक्स यू अ गुड काउंसलर। एक अच्छा काउंसलर वो होता है जो दूसरे इंसान से एम्पथाइज कर पाता है, अपने आप को उसकी जगह रख के देखने की कोशिश करता है एंड लोगों से अपनी पब्लिक स्पीकिंग की वजह से बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन बैठा पाता है। तो रेनू एक काउंसलर है, उसकी क्या इंटेलिजेंस हुई, इंटरपर्सनल स्किल्स की इंटेलिजेंस हुई। आई होप दिस इज क्लियर डियर चिल्ड्रन। अगर आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो जरूर से कमेंट करके जाना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आपका एक क्वेश्चन आता है सामने, assertion and reason, and many a times in many of my videos I have told you कि assertion and reason को करने की एक ट्रिक होती है जो हमेशा आपकी काम कर सकती है, in 0.1% केस में आपकी काम नहीं कर सकती है, जो कि है assertion को पढ़ना and सबसे पहले देखना कि ये true और false है without even thinking कि इसका रीजन के साथ क्या कनेक्शन है। फिर आपको देखना होता है कि रीजन आपका जो है या रीजनिंग जो है वो ट्रू या फॉल्स है। पहला स्टेप होता है इन दोनों का ये फाइंड कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाते हो जिससे आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। आप जब assertion पढ़ने के तुरंत बाद कनेक्शन बिठाने लगते हो तो इट इज यू देर आर चांसेस कि आपका आंसर गलत हो ही जाएगा। तो चलो अब हम लोग देखेंगे, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा राम मोहन रॉय, श्री श्री रविशंकर एंड माता अमृतानंदमयी हैव गुड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये सारे आपके लीडर्स के नाम लिए हुए हैं अपनी अपनी फील्ड के, एंड बोला गया है कि ये सब ही बहुत अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स को रखते थे, जो कि पूरी तरीके से ट्रू है। इन सबकी इंटरपर्सनल स्किल्स सोसाइटी से कनेक्ट करने की, सोसाइटी से एम्पथाइज करने की,
पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो हम लोग को ये तो मिल गया है, हमारा ए जो है वो ट्रू है। एंड इसी के साथ बेटा हम लोग का कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो कट जाएगा, वो हमारा कट जाएगा ये वाला ऑप्शन की ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, सॉरी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंट्रापर्सनल। हम लोग को क्या लगेगा कि यहाँ पे हम लोग ने इंटरपर्सनल की बात की तो रीजन में भी इंटरपर्सनल ही होगा, लेकिन बहुत ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पे इंट्रापर्सनल लिखा है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड नो वन्स थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर्स एंड हाउ दीज इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ठीक है, तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ट्रू लग रहा है। एंड क्योंकि इंट्रापर्सनल स्किल्स वही होती है जहां पे आप खुद को पहचानते हो एंड खुद को अच्छी तरीके से समझते हो। नाउ आई हैव दिस थिंग कि मेरा assertion भी ट्रू है और मेरा रीजनिंग भी ट्रू है, तो या तो मेरा ऑप्शन नंबर वन हो सकता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आपका ये वाला भी हो सकता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपको कैसे पता चलता है बेटा, आप जब इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा के देख सकते हो या इफ लगा के देख सकते हो, आपको आपका आंसर मिल सकता है। तो यहाँ तो देख के ही समझ में आ रहा है कि assertion के केस में interpersonal skills के बारे में true बोला है, दूसरे केस में intrapersonal skills के बारे में बोला है, दोनों के बीच में कोई connection या reasoning है ही नहीं, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा, both A and R are correct whereas R is not the correct explanation of A, ये आपका आंसर बन जाता है। एंड आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी कि ऐसे बड़े से क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना है, इतने बस सिंपल स्टेप से आपको आंसर अपना निकाल लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज करेक्ट, आपको ये पढ़ना है और देख के बताना है कि कौन सी इंटेलिजेंस इनके 8 इंटेलिजेंसेस में से सही बैठती है। नंबर 1, लिंग्विस्टिक्स इज द एबिलिटी टू यूज एंड अंडरस्टैंड नुआंसेस ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स। देखो अब ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी होती है वो नेट वाले आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, हमारा एक्स्ट्रा वर्डिंग से कोई भी मतलब नहीं है, आपको बस मोटा मोटा मतलब पकड़ना है। लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है आपकी लैंग्वेज मतलब वर्ड्स को, शब्दों को और उनके मीनिंग को समझने की, जो कि बिल्कुल सही है, तो मुझे ये सही लग रहा है। देन बॉडी काइनेस्थेटिक इज द एबिलिटी टू मूव विद प्रिसिशन, आई टोल्ड यू कि जो बॉडीली बहुत ज्यादा काइनेस्थेटिक पीपल होते हैं दे आर वेरी गुड जिमनास्ट, दे आर वेरी गुड डांसर्स, दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे ये भी एकदम ट्रू लग रहा है। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, एंडेमिक हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट स्पीसीज। भाई एंडेमिक नाम का तो हम लोग ने अभी तक कोई भी ऐसा इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा है, तो मेरा 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ मुझे आंसर मिल जाता है मेरा पॉइंट नंबर 3। लेट्स टेक अ लुक, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 8 तरीके की हमारी जो इंटेलिजेंसेस है आपको देख के पता लग गया कि क्या अप्रोच रहेगी उसको लर्न करने की। कोई ऑर्डर में किसी को लर्न नहीं करना है तो ये परेशान मत होना, आपको बस नाम पता होने चाहिए एंड आपको अंदर से पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एम एफ हुसैन वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर एग्जीक्यूटिंग बोल्ड वाइब्रेंटली कलर्ड नरेटिव पेंटिंग्स इन अ मॉडिफाइड क्यूबिस्ट स्टाइल। हम लोग ने पेपर 2 में क्यूबिज्म नाम का एक इज्म पढ़ा है, आई होप आप लोग को याद होगा, जहां पे आपकी एक ऐसी पेंटिंग होती है जहां पे क्यूब्स के जरिए बहुत ही शार्प एंड बोल्ड कलर्स एंड शार्प ज्योमेट्री को यूज करते हुए आप अपनी पेंटिंग को बनाते हो। तो एम एफ हुसैन जो हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस पेंटर है, उनकी ये स्टाइल है पेंटिंग करने की। एज पर हार्वर्ड्स गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एम एफ हुसैन डिमॉन्स्ट्रेट्स विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। आपको इसमें से देखना है और बताना है कि कौन सी उनकी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा अच्छी है, नेचुरलिस्टिक अच्छी है, बॉडली काइनेस्थेटिक अच्छी है, इंट्रापर्सनल स्किल अच्छी है, या फिर हमारी विजुअल स्पेशुअल, जो कि हम लोग को समझ में आ गया है, विजुअल कैपेबिलिटीज जिसकी बहुत अच्छी से अच्छी होती है, स्पेस को वो अच्छी तरीके से समझता है, ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्री को, उसके मेजरमेंट को समझता है, वो आपका विजुअल स्पेशुअल इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाता है एंड दीज आर वेरी गुड पेंटर्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा और आपको क्लिक किया होगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ा था और मुझे क्लियर हो गया। In Howard Gardner's theory of multiple intelligence,
high on multiple intelligence, individuals high on dash intelligence can engage in abstract reasoning easily and can manipulate symbols to solve problems. कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जहां पे आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और मैनिपुलेट करते हो सिंबल्स को एंड यू सॉल्व प्रॉब्लम्स. बहुत ही इजी है, हमारा आंसर क्या बन जाता है, लॉजिको मैथमेटिकल. ये वो ऐसे पीपल होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इनका दिमाग इतना तेज होता है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या कठिन कैलकुलेशंस को ये लोग बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर लेते हैं. और इसी के साथ हम लोग का वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है. आई होप आपको आज का वीडियो जो शॉर्ट वीडियो था पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. कॉन्सेप्ट देखने के बाद ये थ्योरी क्लियर हुई होगी एंड क्वेश्चंस देखने के बाद पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक से बन के आए हैं. सो इफ यू आर लाइकिंग द वाइब एंड द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग ऑन माय चैनल, डू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पेपर वन तो बहुत सारी भीड़ के लोगों को मींस उनको तैयार करना होता है. तो आप इनको शेयर करो अगर आपको लगता है कि हम लोग हर दिन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट. अगर आपको कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो लीव योर कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक. अप टिल देन बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं कल इसी तरीके से एक नई थ्योरी के साथ. बाय.